ऐसे बोलने में ये क्वेश्चन आपकी, ये देखो 1 2 इसके लिए अलग सामान होता है, लेकिन मैंने घर से ही आपके बना के लाए। ओ कृष्णा जाई चाली बच्चों चल तो नहीं। बहुत ही बड़ा कदम है, इससे यहाँ पर टूरिज्म को फॉरवर्ड मिलेगा, एडवेंचर को फॉरवर्ड मिलेगा। ऐसे जो इवेंट से ऑर्गेनाइज करने में इससे क्या होता है, इससे एक शौक बढ़ जाता है। हम जब बचे थे तो हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं हुआ करती है, मगर आज आप देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे सोनमर्ग में इस वक्त इस जो स्केटिंग का रिंग है वो बनाया गया है, और विद इन नो टाइम इस पर एक ये होने वाला है, एक ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि मैंने इक्विपमेंट्स देखे वहाँ पर, उन लोगों ने इक्विपमेंट्स भी लाए हैं और रिंग भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है सोनमर्ग के लिए। सोनमर्ग की लोकेशन और यहाँ के टेम्परेचर वगैरह को देख के हमें ये लगा कि इनिशियली हमें आइस स्केटिंग का प्रोग्राम यहाँ जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। तो इस हवाले से हमने यहाँ के बाकी स्टेक होल्डर्स और अथॉरिटी, टूरिज्म डिपार्टमेंट, यहाँ के लोकल होटल स्टेशन सब मिलके हमने कहा कि यहाँ पे इनिशियली हम लोकल बच्चों के लिए एक आइस स्केटिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। तो उसी हवाले से तैयारियां मुझे लगता है मुकम्मल हो चुकी हैं, तो अगले 1 या 2 दिन में हमारे आइस स्केटिंग का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये अगले 10-12 दिन चलेगा, जब तक इन बच्चों को एक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। हमने आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ J&K, उनके जो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं DJU साहब, उनकी मदद लेके ट्रेनिंग नहीं दे देंगे, तो उनकी मदद लेके हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि आइस स्केटिंग जो है यहाँ पे हमने अपने एम्प्लॉइज और जो भी लोकल स्टेक होल्डर है उनकी मदद से हम इस रिंग को बड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। बेसिक चीज़ें हुई हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी, ये देखो 1 2 इसके लिए अलग सामान होता है, लेकिन मैंने घर से ही आपके बना के लाए। ओ कृष्णा जाई चाली बच्चों चल तो नहीं।